हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। सो गाइस, बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं हम। मैंने जो कल का एनालिसिस है यहाँ पर, जहाँ पे मैंने 12,000 प्लस का लॉस हुए हमें, वो वीडियो भी डाल दिया, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके पीछे काफी सारे रीजन, उसमें से एक रीजन ये भी था कि बैंक वीकली चार्ट पे इसने एक शूटिंग स्टार बना दी थी, बट ये सब कुछ कैंसिल आउट करते हुए अब यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना के क्लोजिंग दी है इसने। तो देखिए, अब हमारे लिए क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा ये नीचे वाली रेंज, और ब्रेकआउट होगा ये ऊपर वाली रेंज। ब्रेकआउट होगा जब हमारे पास 44,522 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग मिल जाती है, और ब्रेकडाउन होगा अगर हमको 43,422 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है। इन दोनों में से किसी के भी ऊपर या नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा ट्रैप ही चल रहा है, देखें तो पिछले एक महीने से इसी रेंज के अंदर चल रहा है, एक महीने से ऊपर हो गया है मतलब। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा तड़ पा रहा है, ज़्यादातर वीक देखिए यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था, अदरवाइज ज़्यादातर ये ऐसा करता नहीं है, बहुत कम वीक रुकता है, और वॉलेटिलिटी देखा जाए तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इंडिया विक्स भी ना 10 पे चल रहा है, तो इधर के अपने को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इधर अपना कैपिटल सिर्फ 10% यूज करना है, अपने को सिर्फ 10% क्वांटिटी से ट्रेड करना है, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है ट्रेड करने में, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है मार्केट, मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, तो अब डर लग रहा है बहुत ज्यादा ट्रेड करने में। इसलिए कोशिश करिए कि कम क्वांटिटी से ट्रेड करें, जिससे हमारे पास कैपिटल हमारा सेव रहे और हम आगे ट्रेड कर पाए। देखिए, मूविंग एवरेज पे भी इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर गिरता भी है तो बैंक निफ्टी इसका 42,000 के आसपास का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। डेली चार्ट पे ये काइंड ऑफ बुलिश अराउंड पैटर्न बना है, पर बुलिश अराउंड इसको कंसीडर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है इसका हाई फर्स्ट वाली ग्रेड कैंडल है, बिग रेड कैंडल, उससे ऊपर है, बट स्टिल देखने में बुलिश इंगल्फिंग बुलिश अराउंड टाइप लग रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मान सकते हैं कि हमें न्यू हाई देखने के लिए बैंक निफ्टी मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी भी बहुत अच्छा पॉजिटिव जा रहा है अभी, और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, तो हमें एक न्यू हाई देख के और वहाँ से सेलिंग आती हुई मिल सकती है। सेलर्स का भी दाव ढीला ही पड़ता दिख रहा है, क्योंकि देखिए सेलर्स भी बैंक निफ्टी को गिरा नहीं पाए और बायर भी पूरी तरह चढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो बीच में झगड़ा चल रहा है, देखिए कितना बड़ा टाइम निकल गया है। तो वेट कीजिए डायरेक्शन पकड़ने का बैंक निफ्टी की, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। एक महीने के लिए गाँव में जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँ, और कोशिश करूँगा कि लर्निंग वीडियोज भी रेगुलर आते रहे। सो गाइस, वीकली एनालिसिस को सिंपल रखेंगे, क्योंकि मार्केट कुछ ज़्यादा हमें दिखा रहा नहीं है चार्ट के ऊपर, मार्केट ट्रैप ही कर रहा है, तो बस क्वांटिटी कम रखनी है अपने को, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से रखना है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।